फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जिसमें एक RFID टैग लगा हुआ है। फ्रेंड्स आप ये कतई न समझें कि हम ये किसी स्टोर से उठा लाए हैं चुरा करके, ऐसा हम नहीं करते और किसी को नहीं करना चाहिए। बट ऑनलाइन में ऐसे कपड़े कभी कभी रिसीव हो जाते हैं जिसमें कि एक RFID टैग लगा हुआ रहता है। इस RFID टैग को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके लिए क्या एक ओपनर आता है उसी से आसानी से निकल सकता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसको घर में कैसे निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस RFID टैग को निकालने के लिए इसका जो डिवाइस होता है उसमें क्या है, इसे मैग्नेट टच कराते हैं, ये पिन बाहर निकल आती है। आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है, इधर से पिन से उन्होंने लॉक किया हुआ है और इस तरफ इसका लॉकिंग सिस्टम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसमें मैं आपको तीन तरीके दिखाऊंगा, आप तीनों में से किसी को भी फॉलो करके यूज कर सकते हैं। स्टोर वाले जो है एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है उससे निकालते हैं, मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है मैं उससे ट्राई करता हूँ। आप देख सकते हैं ये स्पीकर है जिसका मैग्नेट बहुत ही बड़ा है, ये और अच्छे खासे साइज का स्पीकर है और इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। आपको करना क्या है कि ये जो डोम शेप एरिया है इस तरफ आपको मैग्नेट लगाना है। किसी किसी टैग में इंक भी भरा रहता है, अगर आप इसको सही से हैंडल नहीं करेंगे तो इंक बाहर भी आ सकता है। उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि एक साथ में एक पुराना कपड़ा रखिए कि इंक अगर स्प्रेड कर जाए तो उसको आप उस कपड़े से साफ कर सकते हैं। अब मैं देखिए इसमें इसको लगाता हूँ मैग्नेट पे, क्या यह पिन आती है बाहर, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है इस मैग्नेट को लगाने से। इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि इसको ये अनलॉक कर सके। देख सकते हैं ये नहीं छोड़ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा मैग्नेट जो है काम करेगा। हालांकि काफी पावरफुल मैग्नेट है लेकिन फिर भी इसको ओपन नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है कि ये कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा है, ये काफी चौड़ा है। तो हमें कुछ ऐसा मैग्नेट लाना होगा जो कि नैरो हो और काफी स्ट्रांग हो। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इस टाइप के जो मैग्नेट होते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबिस्ट यूज करते हैं इसको, और जो इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो लोग रखते हैं। मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो मेरे पास ये ऐसे मैग्नेट रहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत छोटा सा मैग्नेट किस तरह से दूर से अट्रैक्ट करता है। हालांकि सभी घरों में नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं दिखाता हूँ कि इस मैग्नेट से कैसे निकाला जा सकता है। मैं एक सिंगल मैग्नेट से ट्राई करता हूँ, आप देख सकते हैं इस डोम शेप एरिया को मैंने मैग्नेट के पास रखा, आप देख सकते हैं यह बाहर आ गया है, बहुत ही इजीली बाहर आ गया है इस मैग्नेट के हेल्प से। आप देख सकते हैं ये इसका पिन और इसका टैग है, देखने में छोटा जरूर है लेकिन आप देख सकते हैं इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। मतलब साइज मायने नहीं रखता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, किसी आप आदमी को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसकी काबिलियत क्या है, उसके अंदर जो क्षमता होती है उससे पता चलता है। आप देखिए उस बड़े मैग्नेट से नहीं निकला लेकिन छोटे मैग्नेट से यह निकल गया, अब यह लॉक है, यह नहीं निकल रहा है। कभी भी इसको जबरदस्ती खींचने की कोशिश न करें क्योंकि आप ऐसे क्लॉथिंग फट सकता है। अब आप देखिए इसको मैंने इस पे लगाया और ये देखिए निकल चुका है। तो अगर इस तरह की एक मैग्नेट से ना निकले तो कभी कभी आपको दो मैग्नेट भी लगाना पड़ सकता है। दो मैग्नेट में पक्का निकल रहा है देखिए, तो मतलब यह है कि आप स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के पास इसको ले जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह आसानी से निकल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका आसान तरीका क्या है। अगर आपके पास ऐसा मैग्नेट ना हो, इसको नियोडिमियम मैग्नेट के नाम से जानते हैं, नियोडिमियम मैग्नेट आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे हैं, बहुत ही पावरफुल और स्मॉल साइज में आते हैं। अगर ऐसा मैग्नेट आपके पास नहीं हो तो दो तरीका और मैं बताता हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से क्लॉथ में लगा हुआ है, मान लीजिए क्लॉथ में लगा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। अब इसको अगर आपको निकालना है तो आप ऐसा एक प्लायर्स जो अमूमन हर घरों में होता है, यहाँ पर आप ये जो इसका कटर वाला पार्ट देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं इसको, इसका जो कटर वाला पार्ट है इसको आप यहाँ पे पोजीशन करें इस डोम शेप एरिया में और इसको दबा करके इसको कट कर दें। सो कट करने से पूरा इसका लॉकिंग मैकेनिज्म ही खुल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको अलग कर सकते हैं। मगर आपको यह ध्यान रखनी है, किसी किसी में इंक भरा होता है, आपका क्लॉथ खराब हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या है एक पुराना क्लॉथ रखें और उस इंक को उसमें ऑब्जर्व करा दें। ये तो सबसे ईजी तरीका है, इसे कट करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, आपके पास कोई कटर हो या इसको हेक्सा भी बोलते हैं, इससे आप इसको यहाँ से ऐसे कट कीजिए। आपको सावधानी से कट करना है कि कपड़ा आपका खराब ना हो। अब इससे हम कट करेंगे ना तो इसका बिल्कुल अंदर का कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा कि ये किस तरह का बना होता है। तो इस तरह से आपको कट करते हुए जाना है और उसके बाद इसको आप ऐसे प्लायर से पकड़ के तोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका पूरा मैकेनिज्म जो है
फ्री हो चुका है। अब इसमें से क्या क्या निकल रहा है ये आप देखिए, बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, कहीं इसको आपको स्टोर में ले जाने की जरूरत नहीं है निकलवाने के लिए, बिल्कुल ही आसानी से घर में निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसका पिन भी बाहर आ चुका है। अब मैं आपको इसका डिजाइन दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। इसका ये डोम शेप कवर था इसके ऊपर, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये मेटल की कुछ एक सिस्टम लगी हुई है, और ये इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है। ये देखिए, ये जो इसके मेटल का जो लॉक, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये तीन इसमें बॉल्स रहते हैं आयरन के। ये तीनों आयरन के बॉल जो आप देख सकते हैं, इसमें तीन जो होल्स हैं इसके अंदर लगे होते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो पिन है इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं जगह जगह, एक दो तीन चार ग्रुप्स हैं इसके अंदर, और ये तीन बॉल जो है इसके ऊपर इस होल के अंदर से फिट होते हैं। तो जब हम मैग्नेट लगाते हैं तो उसमें होता क्या है कि इस डोम शेप एरिया में जो मैग्नेट लगता है, तो ये जो आयरन वाली पीस है ये ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है, ये खींच के ऊपर की तरफ आता है, तो बॉल जो है वो बाहर निकल जाता है। बॉल के बाहर निकलने से ये जो आपका ग्रूव वाला एरिया जो है ये अनलॉक हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आप घर पे बहुत ही आसानी से इन तरीकों का यूज करके आप ऐसे लॉक को अलग कर सकते हैं। अगर मैग्नेट ना हो तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से कट करके निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कैसे है और वो ये कैसे अपने अलार्म सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, इसमें अलार्म कैसे जनरेट होता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और आप देखिए, मैं इसका ये वाला पार्ट अलग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर का जो इसका कवर है इसको निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें अंदर एक ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसी दिख रही है। ये बहुत ही छोटी सर्किट है, इसमें कुछ खास तो नहीं लगा है, कोई चिप नहीं है, कोई प्रोसेसर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक कॉइल लगी हुई है और इसके पैरेलल में एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, बस यही इसकी सर्किट है। और ये जिस सिस्टम पर काम करता है उसको हम EAS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस। ये होता क्या है, जब ये क्लॉथ के साथ लगा होता है और जब आप शॉप के एग्जिट गेट से निकल रहते हो, तो आप देखेंगे कि एग्जिट गेट दोनों तरफ एक ऐसे प्लास्टिक का पिलर जैसा लगा होता है, उसी में इसके इक्विपमेंट रहते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये जो मेन टैग है आप देख रहे हैं, इसमें ये एक इंडक्टर है, इसके साथ एक कैपेसिटर है, तो दोनों पैरेलल में मिलकर के LC टैंक सर्किट बनाते हैं। LC टैंक सर्किट मतलब ये एक रेजोनेंट सर्किट होती है, जिस एग्जिट गेट से हम निकलते हैं उसमें क्या होता है कि दो एंटीना होते हैं, जिसमें एक एंटीना से 100 kHz की फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है और दूसरे एंटीना से माइक्रोवेव फील्ड इमिट करता है। अब इस टैग का LC सर्किट क्या करता है कि इस LC सर्किट पर दोनों फ्रीक्वेंसी एक साथ जब आती है तो ये LC सर्किट एक मिक्सर का काम करता है और उन दोनों फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करके एक नया मिक्स सिग्नल इमिट करता है। ये खुद से एक मिक्स सिग्नल इमिट कर देता है, दोनों फ्रीक्वेंसी को कंबाइन कर देता है और ये मिक्स सिग्नल री इमिट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो दोनों सिग्नल आ रहे थे वो दोनों मिक्स होकर के कोड का फॉर्म करते हैं, और यही जो नया जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो वापस जो है ES के एंटीना पे पहुंचता है और वह सेंस कर लेता है कि इस तरह का कोई एक टैग जो है इस रास्ते से निकल रहा है। तो इससे वहाँ अलार्म जनरेट हो जाता है, सिक्योरिटी के जो स्टाफ होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ न कुछ जो है आउट जा रहा है विदाउट परमिशन। तो ये इस तरह से काम करता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।